YouTube चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 का जो आज सोशियोलॉजी का मिडटर्म एग्जामिनेशन हुआ है एंड ये 039 कोड नंबर का क्वेश्चन पेपर है एंड 2020-2021 सेशन का क्वेश्चन पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का है। एंड इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे लास्ट में। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे। एंड यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है या सही से शो नहीं हो रही तो आप स्क्रीन को रिफ्रेश करें तो आपको सही से दिख जाएगा। एंड आप लास्ट में जाके PDF भी चेक कर सकते हैं, कमेंट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर शुरू में हमारे जो थे क्वेश्चन नंबर 4 तक MCQ थे, फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था, आई होप आप सभी का अच्छा गया हो। कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। एंड यहाँ पर जो थे फिर हमारे ट्रू फॉल्स भी आ गए थे कुछ, सभी के आंसर्स आपको लास्ट में वैसे तो मिल ही जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ये बताने की जो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 था, यानी कि जो करेक्ट था गिवन स्टेटमेंट थे उसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। 13 का आंसर जो है वो लास्ट में मैंने नहीं दिए, 13 का आंसर जो है वो पंजाब की जगह मुंबई आएगा, 14 का आंसर जो है जन्म की जगह जाति आएगा, 15 में एकल परिवार की जगह बहु परिवार आएगा और 16 का कारखानों की जगह कृषि या खेती वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये वाले आंसर्स आप ध्यान रखिएगा, ये वाले आंसर्स मैंने आपको लास्ट में नहीं दिए बिकॉज ये जो 4 थे करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट ये 1 मार्क्स वाले ही, तो मैंने लास्ट में नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट लिखनी पड़ती इसलिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 30 सब में ही ज़्यादातर चॉइस तो दे ही रखी थी। एंड चॉइस से क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो जाता है और ज़्यादा कि जो नहीं आता वो भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में चॉइस दे रखी थी एंड ओनली 35 क्वेश्चन थे, नहीं तो ज़्यादातर 36, 37 या 40 तक तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं सभी के। सबसे पहले हम MCQ के आंसर देखते हैं, फिर यहाँ पर 4 तक MCQ, फिर फिलिप्स हैं एंड हिंदी में भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, ताकि हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट्स दोनों को प्रॉब्लम ना हो एंड हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकें एंड इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में पढ़ सकें। तो यहाँ पर जो है जो चॉइस वाले क्वेश्चन थे वो मैंने सभी करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि चॉइस वाले में मैंने एक करवाया, मैंने आपको सभी लिख के दिए। चॉइस वाले में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी यहाँ आपके लिए चॉइस जो होगी वो नीचे वाला भी प्रोवाइड करवाया है मैंने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में भी चॉइस थी हमारी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है ये इसमें कोई चॉइस नहीं थी, सिंगल क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 26 जो था वो हमारा MCQ था, 4 MCQ थे, बहुत ही इजी थे। एंड क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 ये सभी क्वेश्चन जो थे ये सभी ईजी थे, 4 मार्क्स में थे और ईजी भी थे। आई होप आप सबका ही अच्छा गया, बट अगर किसी स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं रोने लग जाते हैं अच्छा नहीं जाता, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर अच्छा नहीं गया तो फाइनल एग्ज़ाम जब होंगे तो जब अच्छा करिएगा बिकॉज फाइनल एग्ज़ाम ज़्यादा मैटर करते हैं, अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड इसमें भी अच्छा गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपका फाइनल की तैयारी तो आधी हो ही गई, तो फाइनल में तो पूरी बुक आती है तो आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 था ना, तो यहाँ पर ये आपको खुद करना होगा पैसेज में से देख के, पैसेज थे 2 क्वेश्चन थे वो आसानी से आपको पैसेज में मिल जाते हैं। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको जरूर मैं बता दूंगी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो। सो इफ यू वॉन्ट द PDF ऑफ दिस प्रोजेक्ट यू विल फाइंड इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव पिंड एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ द PDF ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या क्या एग्जाम्स के इसमें क्वेश्चन पेपर के क्या क्या करेक्ट आंसर्स थे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।